यस तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करेंगे। 20 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, डिस्कस किया अपन ने। नेक्स्ट बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, ठीक है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो बेटा बोला कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन आपको दे रखी है और इसकी इस रिएक्शन को हम बोल क्या बोलेंगे, या आपकी नेमे रिएक्शंस के ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको एक यहाँ से सोडियम का सॉल्ट दे रखा है, ठीक है, और इसको अपन बोल सकते हैं सोडियम ब्यूटोक्साइड, ठीक। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आपका इथाइल क्लोराइड दे रखा है, देन बोल रहे हैं कि यहाँ से NaCl आपका रिलीज हुआ है, तो ऑब्वियसली सोडियम यहाँ से गया होगा Cl यहाँ से, है ना, इथाइल क्लोराइड से आपका Cl- या लीविंग ग्रुप, और यहाँ से सोडियम, ये दोनों रिलीज हुआ होंगे तो NaCl का फॉर्मेशन, ऐसा बताया गया। और फिर बच्चों यहाँ से वो बोल रहा है इथर, ठीक है, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये अल्काइल पार्ट है, और यहाँ से ये अल्काइल पार्ट मिला आपको, और बीच में ऑक्सीजन, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शंस होती है, तो हमें पता है बेटा एटाइल रिएक्शन में कभी कोई ईथर फॉर्मेशन होता नहीं है, ठीक है, एटाइल रिएक्शन के अंदर हम ईथर का फॉर्मेशन नहीं करते, गटरमैन कोच में भी नहीं होता है। तो नेमिंग रिएक्शंस के जो एक्सप्लेनेशन है ना, आप मेरे लेक्चर्स को सर्च करोगे तो वहां पे बिल्कुल आपको दे रखा है कि हम जितनी भी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं आप वहां से बिल्कुल विद मैकेनिज्म आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एटाइल रिएक्शन नहीं, यहाँ पे एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वैसा तो कुछ है नहीं। गटरमैन कोच में भी हम लोग CO ग्रुप को एडिशन करते हैं बेंजीन के साथ, तो वो भी नहीं है। अब विलियमसन सिंथेसिस दे रखा है, विलियमसन सिंथेसिस कंटिन्यूअस इस्टरीफिकेशन है, तो भाई इस्टरीफिकेशन में तो ईस्टर के बारे में आना चाहिए ना, RC डबल बॉन्ड O देन OR, ये ग्रुप आना चाहिए, बट यहाँ तो ईथर बन रहा है, तो विलियमसन सिंथेसिस इज द राइट ऑप्शन। ये बच्चों PMT में आया भी है, तो देख सकते हो इतने लो लेवल क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट द व्हिच वन प्रोड्यूस एनिसॉल, तो एनिसॉल का फॉर्मेशन कहाँ से होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एम्स का है, मतलब मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को IIT लेवल पे मैं मान सकता हूँ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। बट उसने एनिसॉल बोला है, तो नाउ बी विल क्लियर कि मैं यहाँ बेटा एनिसॉल का मतलब क्या, कि भाई ईथर है, एनिसॉल ईथर होता है, एरोमेटिक ईथर, और यहाँ लगा दो आप CH3, ठीक है, बिल्कुल आप मेरी बात को समझ रहे हो। यस, अब वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे कौन सा सेट ऑफ रिएक्टेंट ऐसे हैं, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड के साथ एसिटाल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्डी एजेंट दे रखा है, हम लोग ये पढ़े हैं रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों वो आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बोल रहा है, नेक्स्ट आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट के बारे में बोल रहा है, बेंजीन के साथ टोलिन दे रखा है, यहाँ भी टोलिन के साथ आपका CH3CNCl एसिड का क्लोराइड दे रखा है, और AlCl3 फॉलो कराया गया है, ये कुछ आपको रिएक्शन दे रखे हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, कि भाई कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एनिसोल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो मैं वो सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, चलो देखते हैं आप। यस, तो वैसे तो बच्चों में एनिसोल की अगर बात करें तो एनिसोल के लिए हम फिनोल की रिएक्शन से बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, उसको भी मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बी के बारे में बताता हूँ, आप ध्यान देना सभी, ठीक है। यस, फर्स्ट रिएक्शन अपन बी के बारे में देखें कि यहाँ से आपको ये दे रखा है, यहाँ से फिनॉल, मैं बताऊंगा आपको कि रिएक्शन सारी कैसे होंगी, यहाँ से आपका NaOH, तो बच्चों आपको पता है बहुत बेहतरीन ढंग से कि जो OH- आयन होगा ना, ये OH, ये सेकेंड रिएक्शन बी के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो OH- क्या होगा, यहाँ से बेस की तरफ वर्क करेगा, भाई हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, एक बेस की तरह यहाँ पे वर्क करेगा, वो यहाँ से निकालेगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन सबसे पहला का, तो यहाँ से इन दोनों के रिएक्शन से पहले निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, और सोडियम जाके बच्चों इस ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो जाके वहाँ अटैक करेगा, भाई हाइड्रोजन तो एच प्लस की फेज में रिलीज होगा ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान दो, बेंजीन से अटैच हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन के साथ आपका सोडियम, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा। यस, अब कह रहा है बेटा यहाँ से जो आपका CH3I दे रखा है इसका यूज करना है, तो देखते हैं क्या हो रहा है, हालांकि ये जो मैकेनिज्म है इसको अपन पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप समझो ये O- सोडियम प्लस, यहाँ से CH3I है, तो आई तो वैसे भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड LG होता है,
आई माइनस की फेज में यहां से बच्चों रिलीज हो जाएगा और सी एस थ्री प्लस आपका क्रिएट होगा, यहां से समझना। अब ये जो मैकेनिज्म है वो एस एन टू होना चाहिए कि एस एन वन होना चाहिए, तो एस एन वन में तो बच्चों रेट सबसे ज्यादा थर्ड डिग्री का होता है, बल्कि नेस रिप्रेजेंट करता है, ये आपका यहाँ पे वन डिग्री कार्बोकटाइन वाले सेक्शन की तरफ जा रहा है सी एस थ्री प्लस। तो मतलब ये जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ना वो एस एन टू से फॉलो होगा, पहले तो ये समझ लो, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो जो आई के साथ सोडियम चला जाएगा और सी एस थ्री जाना अटैक कर देगा, तो यहाँ से आंसर आपको बन जाएगा कि भाई ये बेंजीन देन ऑक्सीजन देन आपका ये सी एस थ्री। अब ध्यान दो, इसी को तो हम लोग एनिसोल बोल रहे थे अभी, एरोमेटिक ईथर को, ठीक है, दिस इज एनिसोल। तो एनिसोल का फॉर्मेशन यहाँ तो हो गया, आपको बात समझ में आ गई, मतलब मेरे हिसाब से सेकंड रिएक्शन तो अभी क्लियर हो गई एनिसोल की, बाकी भी रिएक्शन को देख लेते हैं। अब अच्छा बात करते हैं ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ इस ए रिएक्शन के बारे में, ध्यान देना यहाँ पे उसने दिया है एल्डिहाइड सी डबल बॉन्डो देन ये हाइड्रोजन, और इसके रिएक्शन हम लोग बेटे बहुत अच्छे से बहुत सारे रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एमजीएक्स की बात करें तो यहाँ से आर क्या होगा, माइनस होगा, एमजीएक्स आपका पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, आर माइनस। अब पता है कि जब सामने आपको कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है तो हमेशा बेंजीन आपका जो ग्रेनार्ड रिएजेंट से आने वाला जो आर माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करेगा, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव तो है नहीं, ऐसे एसिड के डेरिवेटिव में क्या होता है आर सी डबल बॉन्डो, यहाँ पे कोई लिविंग कोई ग्रुप लगाओ, लिविंग ग्रुप लगाओ, जैसे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप हो या फिर आपका कोई हैलाइड ग्रुप हो या फिर एनहाइड्राइड हो या फिर ईस्टर वाला ग्रुप आपका एल्कोक्सी पार्ट हो, वो लिविंग ग्रुप होते हैं। तो पहले आपका आर माइनस करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन एडिशन करेगा, अभी यहाँ पे इससे पहले एडिशन सीधा करेगा, क्योंकि तो कोई सब्स्टिट्यूशन करेगा नहीं, कोई कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है, कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है यहाँ से वीक न्यूक्लियोफाइल, तो आर माइनस क्या करेगा ये, पहले देखो पाई माइनस पाई ऊपर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फिर आर माइनस यहाँ अटैक करेगा, बिल्कुल आसान है। और एमजीएक्स कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, तो यहाँ से बच्चों रिजल्ट में कार्बन के साथ हाइड्रोजन इधर एल्काइल पार्ट, यहाँ से सी एच थ्री देन आपका ओ एम जी एक्स, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि कहीं कोई हाइड्रोलिसिस के बारे में कुछ बात कर रहा है, पर हाइड्रोलिसिस वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे भी तो क्या बनेगा, अब मुझे बताओ सोच के भाई, बेंजीन तो है ही नहीं है ना यहाँ पे, आप पहले यह भी समझ सकते थे कि यहाँ बेंजीन ही नहीं है, जब बेंजीन है तो एनिसोल के बारे में तो बात ही नहीं हो सकती है। अब जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से एच और ओ एच हम ऐसे डिसोसिएट करते हैं, तो यहाँ से ना आपको सिर्फ एल्कोहल बनेगा बट कोई एरोमेटिक वाला सेक्शन नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये ठीक था। देखते हैं एक से अधिक ये भी सही हो सकता है, सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री न्यूट्रल एफ ई सी एल थ्री दे रखा है, तो देखो वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है जब एफ ई सी एल थ्री वाला हम पढ़ते हैं, इसका टेस्ट आता है बेंजीन के जो कंपाउंड होते हैं ना उनके लिए हम टेस्ट करते हैं, इसका सी वाले की बात करते हैं, बी तो सही था, ध्यान देना यहाँ पे रिएक्शन है ना, समझ में आएगा। ये फिनॉल का टेस्ट अगर आपने पढ़ाओ तो फिनॉल का टेस्ट होता है, फिनॉल लेते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां पे हम यूज करते हैं न्यूट्रल एफ ई सी एल थ्री, ठीक है, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स कुछ यूं होता है, यहाँ पे आयरन देन ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन देन यहाँ से आपका ये बेंजीन वाला पार्ट ये क्लोज देन यहाँ से आपके सिक्स मॉलिक्यूल और माइनस थ्री ये, ठीक है, इस तरीके से, और बिल्कुल, तो यहाँ से क्या होगा ये तीन सी एल बाहर जाएंगे, वो तो सी एल आपके बाहर आपके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपन ने थ्री सी एल को रिलीज कर दिया है, ठीक है, तो ये स्पीसीज कुछ ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और ये कॉम्प्लेक्स कलर बहुत स्पेसिफिक है, कलर आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स आपका ये डेवलप होता है, तो फिनोल का टेस्ट एक फिनोल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है सिंपल सी, तो बाकी इसके साथ तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं है ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इथर नहीं बनेगा, तो ये भी क्रॉस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये तो इसे एक बार बन सकता है, देखते हैं अपन डी से, ठीक है, ये सही था, डी को ऑब्जर्व करते हैं, डी में उसने बोला टोलिन, टोलिन के साथ अगर मैं यूज करता हूँ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, एसएल क्लोराइड देन आपका एलसीएल3, बेटा एलसीएल3 क्या करता है बोलो जल्दी से, लिबेस एसिड है ये, अरे भाई लिबेस एसिड है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास एल्युमिनियम ब्रोन फैमिली का, एक सीएल को यहां से खींच लेगा, ये तो अपने आप में बना लेगा एलसीएल4 माइनस, हम लोग बहुत सारे फिडल क्राउड पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये पूरा सेक्शन जो एसाइल वाला है ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कैसा, सीएस3 के साथ सी डबल बॉन्ड दो यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बच्चों कार्बन वर्क करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल ग्रुप का, तो वो जाके क्या करेगा भाई बेंजीन में देखो ये सी एस थ्री कैसा होगा, ये आपका यहाँ पे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा,
न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो या हाइपर कंजुगेशन से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव या डेंसिटी बढ़ेगी। तो बढ़ने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रुप कहाँ अटैक है, तो ऑर्थो पे अटैक करे या फिर पैरा पे अटैक करे, भाई यहाँ यहाँ पे अटैक करेगा तो सेम प्रोडक्ट यहाँ से डिफरेंट बनेगा, तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो देखो एक तो ये बनेगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, एक ये बन जाएगा। और इसी सेम ग्रुप को उठा के आप यहाँ से यहाँ लगा देना बस एक बार, तो यहाँ तो कहीं इतना बन ही रहा है, तो ये क्रॉस। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग फोर कंपाउंड्स द एसिडिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, फिनॉल का, मिथाइल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दो यहाँ पे जो दे रखा है ना, कि जैसे फिनॉल की बात करी जाए पहले, तो फिनॉल में हम कैसे निकालते हैं एसिडिटी ऑर्डर, तो ध्यान दो बेटा आप ना मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है बिकॉज इट इज अटैच्ड विद डायरेक्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। बेंजीन में जो फिनॉल है इसमें देखो आप, तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो बच्चों ऑक्सीजन की है, बेंजीन की कार्बन से भी अधिक है, तो ये एच प्लस बाहर जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। सेकंड आपको दे रखा है मिथाइल फिनाइल, ये यहाँ पे इस तरीके से लिख लें मिथाइल फिनॉल दे रखा है, मतलब ये फिनॉल और इसकी पोजीशन कहीं नहीं बोली है, तो ऑर्थो लगा लो यार, यही होगा, ठीक है, मिथाइल फिनॉल। और क्या इसने बोला है, ये सेकंड हो गया, थर्ड उसने मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ स्पेसिफिक है पोजीशन, तो ये फिनॉल हो गया और मेटा पोजिशन आती है नाइट्रोफिनॉल। और ये फोर्थ आपको दे रखा है पैरानाइट्रोफिनॉल, मतलब ओ एच यहाँ पे है और पैरा, ये भी पोजीशन फिक्स है 1-4, नाइट्रो यहाँ पे है, तो नाइट्रो वैसे भी विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो देखो यहाँ पे एच बाहर निकालो एसिडिक, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से एच निकालो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से एच निकालो नेगेटिव, यहाँ अब जो कॉन्जुगेट बेस बन चुके हैं एच प्लस आइन निकालने के बाद, उनकी स्टेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा, तो जहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा वो सबसे अधिक एसिडिक होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई, यस। तो अब यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रो हम लोग पढ़ चुके हैं ना जीओसी वन के अंदर, तो पैरा पोजिशन पर नाइट्रो है इलेक्ट्रॉन्स को काफी तेजी से विड्रॉ करेगा, ठीक है, बिकॉज ये मेटा पोजिशन पे, तो मेटा पोजिशन पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है भाई, यहाँ पे कोई रेजोनेंस वर्क करता नहीं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है, माइनस आई की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पे आपको पता है कि माइनस एम की तरह वर्क करेगा, तो माइनस एम आपका मोर डोमिनेट करता है, इसलिए आपका फोर्थ जो मुझे दिख रहा है वो सबसे अधिक आना चाहिए। तो फोर्थ तो एक ही ऑप्शन दे रखा है सबसे अधिक ये, फिर कौन सा आना चाहिए, थर्ड, बिल्कुल सही है, फिर कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है बेटा, सी एस इलेक्ट्रॉन्स को वैसे भी यहाँ से रिलीज ही करने वाला है, आप मेरी बात समझ रहे हो, सी एस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, डेंसिटी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी, ठीक है, तो ठीक है, इससे पहले फोर्थ थर्ड देन आपको फर्स्ट आना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक ऑटोमेटिक कम, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस है उसका वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल ना होके, और ये आपका रेफरेंस कंपाउंड है, इसलिए फर्स्ट देन सेकेंड, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 24। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्कोहल से एल्डिहाइड मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है यार, ये जेई का क्वेश्चन है 2014 का, यहाँ से उसने सिर्फ ऑक्सीडेशन के बारे में बच्चों बात करी है कि भाई जो एल्कोहल है उससे एल्डिहाइड, अब एल्कोहल से एल्डिहाइड तो 1 डिग्री एल्कोहल से ही बनता है, ये आपको पता है, और एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का स्पेसिफिक है पीसीसी, क्या पीसीसी की बात करें, भाई एल्डिहाइड भी रुकना है ना, आप मुझे बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर आपका ये एल्कोहल 1 डिग्री होता सब कुछ, ध्यान देना आप लोग, तो क्या बनता आपका यहाँ से एल्डिहाइड बन जाता बच्चों, है ना, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ तो वो सीधा जाके एसिड पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अगर यही आपका एल्कोहल सेकेंड डिग्री हुआ होता तो फिर यहाँ से कीटोन बनता, और कीटोन का फर्दर तो आपका होता ही नहीं है ना, ऑक्सीडेशन इजिली वो रस्टिक कंडीशन में होता है, तो उसको तो आप छोड़ दो, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, बट ये वाला एक बार पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब ये भी कंडीशन है कि आपका 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाए, नेक्स्ट प्रोसेस ना हो, बट केमोनोफोर तो बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो एसिड पर जाकर रोक देगा, ए ऑप्शन हो गया गलत। K2Cl2O7 ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सीधा एल्कोहल को 1 डिग्री को रोकेगा एसिड पे जाके, ये भी एल्डिहाइड पे नहीं रोकेगा। CrO3 की बात करी जाए तो ये भी बेटा क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, अब ये भी उसको स्टॉप नहीं करेगा, वो भी वहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज कर देगा पूरी तरीके से। तो पीसीसी इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, ये क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पीसीसी लिखा होता है यारों के ऊपर, मैंने पढ़ाया भी है पीसीसी, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है।
अच्छा पाइडिनिल क्लोरोक्रोमेट बेटा ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड, तो बनेगा सभी केसेस में, लेकिन वो सीधे रोकने जाके एसिड पे, वो एल्डिहाइड को सीधा एसिड पे जाके स्टॉप करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल को वन डिग्री को एल्डिहाइड पे जाके ही स्टॉप करेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट प्लीज, इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से। द कंपाउंड्स दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद, यही जेई मेंस का है, विद एक्वस सोडियम बाई कार्बोनेट सॉल्यूशन। हमने जब भी पढ़ाया है तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने फोर्स करके बोला कि भाई इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा तो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो CO2 गैस लिबरेट नहीं करेगा? तो देखो इसके रिएक्शन हम आपको बताते हैं, आपको सही ढंग समझ में आएगा। मैंने बच्चों पहले चलो एक के बारे में बताता हूँ, बेंजोइक बोला है ना उसने, तो मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड बताता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, आर कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक या फिर आपका नॉर्मल एलिफेटिक। यहाँ से लिया मैंने NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ध्यान देना। तो एसिड के साथ अगर सोडियम बाई कार्बोनेट आता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज करता है बच्चों, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ से एक सॉल्ट बनाता है RC OO, देन ONA, एक ये सॉल्ट बनाता है, प्लस आपका यहाँ से रिलीज करता है वाटर मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन है, यहाँ से CO2 निकलेगा। अगर मैं बोलूँ बेंजीन सल्फोनिक, ये आर आपका ना बेंजीन पकड़ लेना और कुछ भी नहीं, आर कुछ अलग भी हो तो भी यही आपको रिलीज करना है। अगर बेंजीन सल्फोनिक के बारे में बात करी जाए, आप इसको भी समझो, तो C6H5HSO3, इसके साथ हमने वही यूज किया है सोडियम बाई कार्बोनेट। देखते हैं बच्चों क्या बनने वाला है। यहाँ से आपको 100% CO2 गैस तो मिलेगी बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एसिड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं और कुछ भी नहीं है, CO2 बनेगा, देन आपका C6H5SO3Na, एक सोल्ट बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ भी CO2 निकला, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जरा देखते हैं सैलिसिलिक एसिड के बारे में, तो व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड? सैलिसिलिक एसिड में हम क्या देखते हैं बताओ बेटा? सैलिसिलिक एसिड तो वो एसिड वाला ही सेक्शन हो गया, जैसे ऊपर वाले ही था बेंजोइक वाला, तो यहाँ भी आपको जब हम बात कर रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड में, तो यहां से रिलीज होगा क्या बताओ? इसकी रिएक्शन देख लें, रिएक्शन देख लेते हैं चलो एक बार। ये बेंजीन हो गया, ठीक है ना, और हमने सल्फोनिक की, बेंजीन सल्फोनिक तो हम लोग देख ही चुके हैं ना, बेंजीन सल्फोनिक, ठीक है। और अच्छा एक क्वेश्चन और होता है कि यहाँ से आपका जो बेंजीन सल्फोनिक वाला सेक्शन है उसके साथ अगर हम CO2 गैस यूज करते हैं, सॉरी हम सोडियम बाई कार्बोनेट यूज करते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल आपका CO2 गैस आपका रिलीज हो रहा था ना, यहाँ तो रिलीज हो ही रहा था। और सैलिसिलिक एसिड तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक वाला सेक्शन आपका डिफरेंस था, तो वहां से भी CO2 गैस रिलीज होगी। लास्ट आपका कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोलिक का मतलब होता है फिनॉल, यहाँ पे पकड़ा गया, इसके पास सी डबल बॉन्ड ग्रुप नहीं है, तो मतलब फिनॉल, फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक। फिनॉल के साथ अगर हम यूज करेंगे NaSCO3, तो यहां से कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं होगी, तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपको बोलता हूँ कार्बोलिक एसिड बोलो फिनॉल बोलो एक बात, ठीक है, जब CO2 गैस क्यों रिलीज नहीं करता, बहुत बार आता है जैसे पूछते हैं बच्चे, तो लेस एसिडिक होता है फिनॉल, और कार्बोलिक जो होता है वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है, NaSCO3 की शामिल, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, वो CO2 गैस को रिलीज नहीं करता है, बस लेस एसिडिक इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमाइनेज, ठीक है, आप एल्डिहाइड के रिएक्शन कराओ प्राइमरी अमाइनेज के साथ तो क्या बनेगा? तो ये भी रिएक्शन एक बेस बनता है पर्टिकुलर, वैसे तो इसके बेस इज द आंसर, इसका सीधा होगा, ठीक है, देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। एक एल्डिहाइड लिया अपन ने सी डबल बॉन्ड ओ, देन यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मतलब ले लेते हैं अपन NH2NR, आर कोई भी डिफरेंट नहीं, तो आर ये यहाँ पे आर लिया अपन ने, यहाँ पे आर डैश ले लो, मैं ऐसा कर जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, क्या हुआ यहाँ से सीधा होता है H2O, ये बाहर निकाल दो आप सीधा सा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स फटाक से बाहर चला गया, क्या बचा कार्बन के यहाँ से आर, यहाँ से हाइड्रोजन, इसको अपन बोलते हैं स्किप बेस, ये लिखा ना स्किप बेस, ये स्किप बेस होता है, नथिंग एल्स, ठीक है। और ध्यान रखना कि एरोमेटिक तो एसिड बनेगा ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, कीटोन्स के बारे में कुछ नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ स्किप बेस, ये स्किप बेस होता है, ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटेट एसिड, और सेकेंड आपका है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, देन सी आपका एसिटिक एसिड, एंड आपका है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में बताना है कि यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या होना चाहिए। यस, तो देखेंगे हम लोग कौन सा इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे ना क्या बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर, देन उसके बाद करते हैं डिसाइड। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब ये तो एसिटिक एसिड का यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक कार्बन और लेके आ जाओ और तीन फ्लोरिन को यहाँ पे अटैच करा दो। ठीक, इसके पास ना फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरिन अपने आप में यहाँ पे माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा। और हमने पूछा है कि डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो अगर मैं यहाँ से एच बाहर निकालता हूँ तो भाई तीन तीन फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे ना इधर, तो कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि माइनस आई ग्रुप अटैच्ड इंक्रीज द एसिडिटी, बिल्कुल सही, बिकॉज मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पे जब एच बाहर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज जीरो पे कितने जल्दी पहुंचेगा जब नेगेटिव को खींचने वाला ग्रुप लगा हो, तो तीन तीन माइनस आई ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे नेगेटिव बहुत तेजी से जीरो पे पहुंचने वाला है, तो ये नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो मोर स्टेबल होगा, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही है। अब आते हैं जरा सेकेंड कंपाउंड पे, बोला है कि यहाँ से आपका सेकेंड है ट्राई फ्लोरो हो गया, ट्राई क्लोरो भी है, अच्छा अच्छा वो ए बी दे रखा, ये बी है, सॉरी दिस इज ए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सी डबल बॉन्ड हो, देन ओ एच, कार्बन के साथ अपन लेते हैं तीन क्लोरीन, तो वही केस है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और हेलोजन बेटा क्या करता है, अगर प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी केसेस की बात की है, हेलोजन ऑलवेज वर्क एज माइनस आई, हमेशा हमने बोला, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, ये भी आपको पता है 3.0 में आती है, कम हो जाती है 4.0 से, तो यहाँ पे भी विड्रॉ करेंगे, बट यहाँ से या जैसे बाहर जाएगा प्लस की स्टेट में तो माइनस स्टेबल तो होगा नेगेटिव, बट फर्स्ट वाले से थोड़ा सा कम होगा, बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट का दे रखा आपको फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो फॉर्मिक क्या होता है, वहां तो कोई ग्रुप है ही नहीं है ना, यहाँ एच बाहर जाएगा नेगेटिव तो आपके एरोमेटिक करके स्टेबल बना रहेगा, एरोमेटिक तो हर जगह होगा रेजोनेंस, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं रेफरेंस कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है CH3C डबल बॉन्ड ओ देन OH, इसकी बात करें तो यहाँ पे ये प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव डेंसिटी बढ़ जाएगी या अनस्टेबल होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो सबसे पहले आना चाहिए फ्लोरीन वाला आना चाहिए, आपको समझ में बात आ गई होगी, मतलब ये ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, तो बी कहाँ पे सबसे अधिक है, तो दो ऑप्शन में एक बी में है एक डी में, तो ए गलत हो गया सी गलत हो गया, उसके बाद कौन आना चाहिए ध्यान दो, ए आना ए बी हो गया ना, अब ए आना चाहिए क्लोरीन वाला, तो ए कहाँ पे है देखो बी और डी में से, ए यहाँ पे मिल गया यहाँ पे डी आ गया, तो बस बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये गलत हो गया नीचे वाला। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपके मिथाइल सब्स्टिट्यूट जो अमाइंस हैं उनकी उसने पूछी बेसिक स्ट्रेंथ, तो आपको तो पता है कि अमाइंस कितनी होती हैं, तीन, वन डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और बाकी का आपका अमोनिया पकड़ लो ऐसे। ठीक है, तो देखो एक मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ यहाँ पे, वैसे मैं आपको ये बात बता भी चुका हूँ जब मैंने आपको ये डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट बेसिसिटी इन अमाइंस, अमाइंस डिपेंड्स ऑन प्लस आई ग्रुप, डिपेंड्स ऑन प्लस आई ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टीरिक फैक्टर। मैं रिपीट करता हूँ, आप ध्यान दो, जो बेसिक स्ट्रेंथ, जो बेसिसिटी अमाइंस की, वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, तो प्लस आई ग्रुप कौन से इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर उतनी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो प्लस आई ग्रुप पे डिपेंड करती है, एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, और स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो तीन फैक्टर्स क्या करते हैं बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब मैं बात करूं इसके थर्ड डिग्री अमाइंस के बारे में, जो ऑप्शन आप ध्यान से देखो, इसमें वन डिग्री, थर्ड डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन दे रखा है, तो थर्ड डिग्री अमाइन तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड होता है। ठीक है, जब स्ट्रिक्टली हिंडर्ड होगा तो वो फिर क्या अनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब अनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें सही आंसर बनेगा आपका सेकेंड डिग्री सबसे अधिक बेसिक, देन वन डिग्री, देन आपका थर्ड डिग्री, ये एक्वस के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन होगा
एक्वस मीडियम में क्या होता है बच्चों, एच प्लस आयन जब अटैक करता है, मैं बोलता हूँ देखो प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन, बताना ध्यान से कि एच प्लस आयन का अटैक सबसे फास्ट किसके ऊपर होगा, वन डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो एच प्लस आयन तो वहां पर अटैक करना चाहेगा जहां पे उसे स्पेस मिलेगा, बट थर्ड डिग्री में तो बच्चों दिक्कत क्या होती है कि थर्ड डिग्री इतना बड़ा साइज का होता है, बल्कनेस इतनी ज्यादा होती है, क्राउडनेस इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एच प्लस आयन इजिली अटैक नहीं कर पाता है। जब अटैक नहीं कर पाएगा उस नाइट्रोजन के पास जिसके पास लॉन पेयर्स है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है पानी के साथ थर्ड डिग्री अमाइंस, ठीक है। लेकिन अब सेकंड डिग्री पर आगे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड डिग्री में क्या है, बल्किनेस कम, बल्किनेस तो एक तो अल्काइल पार्ट कम होगा, उधर जाकर एच प्लस अटैक कर देगा, तो सबसे फास्ट अटैक यहाँ होगा एच प्लस का, फिर वन डिग्री पे होगा, सबसे कम थर्ड डिग्री पे, एक्वस मीडियम में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका आपका सही आंसर क्या बनेगा आप बताओ जरा, ये थर्ड सेकंड डिग्री पकड़ लिया, वन डिग्री, और ये तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं हम लोग, मस्त क्वेश्चन है 29 के अंदर बताया, ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन विद क्लोरोफॉर्म एंड एथनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, समझ में आपको आएगा। जब वो बोला है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस है, तो इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट, क्या आना चाहिए, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट की जब भी बात की जाती है, तो उस केस में हम लोग प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, किसको टेस्ट करते हैं, प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, और आपके एक अच्छे खासे बेस का यूज करते हैं जो दे रखा है एथनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनेगा, तो बेटा आइसोसाइनाइड बनता है, ये तो सभी को ही पता है, वन डिग्री अमाइन ले लो, आर के साथ अपन ने NH2 पकड़ लिया, प्लस अपन ने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को यूज किया CHCl3 को, और इसके सामने उसने बोला है कि भाई एक एथनोइक एथनोइक है ना, मतलब ठीक है C2H5OH पकड़ लो एल्कोहल के साथ, और प्लस उसने बोला है पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, बेसिकेशन बढ़ जाएगी। तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि बेटा अमाइंस के सामने क्लोरोफॉर्म दे रखा है, तो सबसे पहले जो OH माइनस होगा वो यहाँ से निकालेगा एक हाइड्रोजन, है ना, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, तो ये बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये बच्चों ना ये कन्वर्ट होगा आपके यहाँ पे कार्बीन के अंदर, इसको तो डाई क्लोरोकार्बीन, एच ओ सी एल तो बाहर निकल जाएगा, आप ध्यान दो यहाँ से ClCl और ये कार्बीन, एक कार्बीन बनेगा, और कार्बीन जाकर यहाँ पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो दो सी एल से दो हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, ध्यान दो ये दोनों सी एल यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, दो बैलेंसी खाली हो जाएंगी ना भाई, आप मेरी बात, ये भाई एक एक बैलेंसी इधर खाली, एक बैलेंसी यहाँ खाली, एक बैलेंसी सामने से, तो यहाँ से जो आपको बनेगा ना वो NC बॉन्ड बनेगा, CN बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आर के से N तो बाहर गए नहीं ना, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देन कार्बन, ये माइनस होगा, ये प्लस में होता है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर रिप्रेजेंट होता है, तो आपका मैं देखो एथनो ये तो बन ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो अट में आप गलत, सेकंड आपका नहीं डायोल नहीं, एल्काइल साइनाइड आपका बन सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, NC बन रहा है, मतलब आइसोसाइनाइड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है बेटा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वेंजामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद POCl3 गिव्स, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दो, ना ऐसे क्वेश्चंस करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज मेंस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं लो क्वालिटी, ठीक है। तो बेंजामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद POCl3 गिव्स क्या देगा, व्हाट इज बेंजामाइड, तो ये होता है C6H5C(O), देन NH2, इसके सामने हम लोगों ने फॉलो किया है POCl3, ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, अगर मैं बनाऊं इसका स्ट्रक्चर तो क्या बनता है, फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड हो, देन क्लोरीन, क्लोरीन, इसका मैंने इजी ट्रिक भी आपको बताया था शायद पता होगा, कि यहाँ से दो हाइड्रोजन, आप समझो यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ये इसको पकड़ के निकाल देता है पहली वाटर मॉलिक्यूल्स, और फॉस्फोरस जाके ना सीधा यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, आप मेरी बात को समझो, यहाँ से ये जाके यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा पूरी बात समझना, फिर वहां से आपका जो 3 Cl जो दिख रहे हैं ना, अब एक्चुअली होगा कि आप मेरी बात समझो कि भाई इसने यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन लेके बाहर निकल गया, अब यहाँ से आपको बनेगा PCl3, और PCl3 को आप सीधा रिलीज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, इजी था। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन बाहर जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे तो बैलेंसी खाली होगी ना, अब ये बैलेंसी जब खाली हो जाएगी तो क्या बनेगा, अब यहाँ से जो C(O) वाला सेक्शन है ये भी अब रिलीज होगा, ठीक है, तो यहाँ से C(O) होगा, जो फिर बहुत बार ऐसे भी करते हैं कि दो हाइड्रोजन यहाँ से POCl3 के सामने, ऑक्सीजन यहाँ से, तो वाटर बाहर निकाल दो, बैलेंसी यहाँ खाली कार्बन पे, दो बैलेंसी यहाँ खाली,
तो एक बन जाएगा C6H5 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, N बनेगा सिर्फ, तो ये साइनाइड वाला। तो यहाँ पे POCl3 विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो बराबर पानी को बाहर निकालता रहेगा, ठीक है। तो POCl3 के बारे में पता कर लो, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बिल्कुल। तो यहाँ से आपका जो आंसर मिलेगा वो साइनाइड वाला मिलना चाहिए। तो एनिलीन तो हम बोल नहीं सकते इसको, CN ग्रुप लगाए बेंजीन के ऊपर, नाइट्राइल बोलते हैं उसको, बेंजो नाइट्राइल बोल सकते हैं, प्रोबेंजीन रॉन्ग, बेंजाइलामाइन रॉन्ग, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो POCl3 कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए काम दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट सबसे अधिक स्टेबल कौन सा है बताओ। डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको पहले से पता होगा कि ये बेंजीन रहता है इस तरीके से, और इसके ऊपर यहाँ पे आता है N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज ना, दिस इज डाइजोनियम पार्ट, जिसका कैटायन, वही मैंने बोला ना EM आया, EM का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए EM डाइजोनियम। तो एरोमेटिक डाई एजो कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने बोला है कि भाई जो आपके एरोमेटिक डाइजोनियम जो कंपाउंड्स हैं, डाई एजो कंपाउंड्स हैं, तो वो मोस्ट स्टेबल वही होगा कि जिसके पास जो प्रेजेंट है आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा बेटा हम रेजोनेंस प्रोसेस से ही निकाल पाते हैं। तो जहां पे जितना अधिक रेजोनेंस, तो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, बिल्कुल सही है। देखो तो यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज में CH2 आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, देन CH2 आएगा, देन बेंजीन आएगा, तो यहाँ रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस दिखेगा ही नहीं, कोई बेंजीन ही नहीं है, यहाँ बेंजीन है, ये भी आपका अनस्टेबल, तो सबसे स्टेबल ये, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LAH दे रखा है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, जो H माइनस को रिलीज करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्राइड आयन को, यील्ड्स इज सेकेंडरी अमाइन, तो कहाँ से सेकेंडरी अमाइन वो जनरेट करेगा, देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। पकड़ते हैं बच्चों फर्स्ट रिएक्शन को, है ना, देखते हैं इसमें, PMT क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। उसमें मिल गया पहले मिथाइल आइसोसाइनाइड, ले लेते हैं R के साथ नाइट्रोजन, बोला ना उसने आइसोसाइनाइड बोला है ना, तो NC होगा ग्रुप, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इधर, यहाँ पे सी, ये भी तो प्लस माना था, दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसके सामने हमने यूज बेटा किया रिडक्शन प्रोसेस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4 होता है, तो यहाँ से आ जाए, उसने इसको रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करने से LAH से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सेकेंडरी अमाइन, जो N है वो NH बन जाएगा, भाई बीच में डबल बॉन्ड वाला सेक्शन गायब हो जाएगा ना, NH बन जाएगा, और बाकी यहाँ से आपका ये CH3 बन जाएगा, तो ये बन गया आपका, बीच में NH आ गया, एल्काइल इधर है, एक एल्काइल इधर है, तो ये बन गया आपका सेकेंड डिग्री अमाइन। तो LAH को यूज करते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ, तो आपको बन जाता है यहाँ से सेकेंड डिग्री अमाइन, बिल्कुल बात समझ में आ गई। पूछा है क्वेश्चन, वही तो पूछा, यील्ड से सेकेंड डिग्री अमाइन हो गया ना आंसर, ये ऑप्शन पहले ही, ठीक है, यस यस इट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, which of the vitamins gives below in water soluble, तो water soluble तो बहुत पॉपुलर है, विटामिन सी होती है सीधी, मैं लिख देता हूँ आपको एक बार, आपको ध्यान रखने के लिए, कि भाई जो vitamins बी होता है एन vitamin सी, ठीक है, ये आपकी water soluble होती है, water soluble, लेकिन अगर मैं बता दूँ vitamin ए के बारे में, डी के बारे में, vitamin ई के बारे में, देन vitamin के बारे में, ठीक है, ये आपकी होती है फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ठीक है, आप बीसी से याद रखो, है ना, बीसी, जो बीसी है ना, ये आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, तो आपने यहाँ पे बी तो कहीं दे नहीं रखा, सी दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है, Which one of the following base is not present in DNA? DNA में कौन सा बेस नहीं होता है, तो DNA का DNA क्या कंटेन करता है, कौन कौन से बेस, एक होता है एडेनिन, मैं लिखता हूं एडेनिन, सेकेंड होता है बेटा गुआनिन, ठीक है, गुआनिन, और थर्ड होता है आपका थाइमीन, ठीक है, थाइमिडीन, ठीक है, थाइमिडीन, एंड फोर्थ आपका जो होता है इसको साइटोसिन,
ठीक है, सी बाई टी ओ एस आई एन ई, ठीक है, साइटोसिन, चार आपको यहाँ पे हो गए। अब बेस की बात कर रहे हैं, चार बेस आपको दिख गए यहाँ पे। अच्छा, आरएनए में कौन कौन सा होता है ये भी आपको मैं बता ही देता हूँ। ठीक, आरएनए की अगर बात करी जाए तो वहां पे बेस पहला आपका आता है एडनीन, ठीक है, ए डी ई एन आई एन ई, एडनीन। सेकंड आपका होता है गुआनिन, और थर्ड होता है बेटा यूरेसिल, ठीक है, यही डिफरेंट। और फोर्थ आपको जो मिलता है वो होता है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। तो बताओ जल्दी से आंसर कौन सा होना चाहिए। एड्रीन तो यार मिल ही रहा है, एड्रीन तो मिल रहा है, ये तो होगा ही, ये तो पहले से प्रेजेंट होगा। उसने पूछा नॉट प्रेजेंट, ये नहीं आएगा ऑप्शन में। साइटोसिन प्रेजेंट होता है तो ये भी नहीं होगा, थाइमिन भी होता है ये भी नहीं होगा, ये कोनिलिन करके ये नहीं होता है। और कोनिलिन होता क्या है, कोनिलिन का स्ट्रक्चर भी आपको मैं आता हूँ एक बार। ये एरोमेटिक होता है इस तरीके से, ये बेंजीन होगा यहाँ पे, देन उसके बाद नाइट्रोजन आता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर। तो ये आपको नहीं मिलता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34-35 आ गया। 35 को देखते हैं तो वो चौथा फॉलोइंग पेयर्स गिव पॉजिटिव टोलिन टेस्ट। मेन सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव टोलिन टेस्ट कौन सा देता है। तो भाई पॉजिटिव टोलिन टेस्ट की अगर बात करी जाए तो इसको अपने डिस्कस किया है, ठीक है, आपने अगर लेक्चर देखे होंगे मेरे बायोमोलिक्यूल्स के तो वहां पे बताया है मैंने, ठीक है, कि जितने भी आपके फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, फ्री एल्डिहाइड और जो फ्री कीटोन्स होते हैं, ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं टोलिन्स रिएजेंट को, रिड्यूस टोलिन्स रिएजेंट। तो फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन्स ऑलवेज रिड्यूस टोलिन्स रिएजेंट। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें, जैसे बेटा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उनके पास एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, तो बिल्कुल वो आपके क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सही है। ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता है भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज इज द आंसर। इसको मैंने बताया भी, इसके स्ट्रक्चर भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कोई एल्डोज ले लेते हैं सिंपल सा, तो मैंने सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बोला ना, एल्डोज में एल्डिहाइड वाला सेक्शन, बाकी आर पार्ट। इसके सामने देखो टोलिन्स रिएजेंट की रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको। तो सिल्वर अमोनिकल सॉल्ट रहता है ना आपका टोलिन्स रिएजेंट, क्लियर सॉल्यूशन होता है, व्हाइट सॉल्यूशन, तो क्लियर सॉल्यूशन, यहाँ से आपका इजी, यहाँ से आपका NH3, नाउ इट इज ट्वाइस एंड प्लस वन चार्ज, Cl रहता है ना, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्ट होता है। इसको अपन यूज करते हैं तो यहाँ से मिलता है तो आपको कार्बाइल अमाइन, एक कार्बोक्सिलेट एनाइन मिल सकता है, क्यों, यहाँ से क्या होगा बताओ, ओ माइनस आइन जनरेट कर देगा ना ये, यहाँ से सिल्वर रिलीज हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड आपका यहाँ से रिलीज हो जाता है, प्लस वन से वो जीरो, और यहाँ से आपको मिलेगा सी डबल बॉन्डो, देन ओ माइनस, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा ये, और यहाँ से बनेगा आर पार्ट। तो दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स का पार्ट है आपका, तो ये ग्रुप कहीं दिखना चाहिए, अगर दिखेगा तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए जी प्लस में वो आपका इस ए जी जीरो में आ जाएगा, रिड्यूस हो गए, और उसे एल्डिहाइड को क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। तो बस वही देखना है आपको, ये बेसिक्स रिएक्शन है, टोलिन्स रिएजेंट को सामने मैंने लिख दिया। अब ये जो अभी भी है कि जो आपके डाइसैक्राइड्स हैं, जो डाइसैक्राइड्स के पास आपका सी डबल बॉन्ड फ्री नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि डाइसैक्राइड में आता है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज ये डिस्कस किए मैंने। तो डाइसैक्राइड्स में जो सी डबल बॉन्ड हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप, वो फ्री नहीं होता है, जिस क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ठीक है। तो टोलिन्स टेस्ट जो है वो मीडियम कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक है, वहां पे आइसोमराइज भी हो जाता है, तो जो ग्लूकोज है और जो आपके मैनोज होते हैं, ठीक है, तो वो आपके दे सकते हैं टोलिन टेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर अभी आपका क्या होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सीधा आंसर है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको ध्यान रखो, उसी के बेस पर आंसर बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, तो बताओ क्या बनेगा। हेक्सेन बन जाता है सीधा, यह एंजाइटिव दे रखा है, एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल चेन बन जाती है। तो मैं ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, इसके सामने हम हाइड्रोजन आयोडाइड लेके आते हैं और हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग करने से जितने भी आपके यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं आपके ग्लूकोज के पास, जो आपके एल्डिहाइड वाले सेक्शन होते हैं, सब रिड्यूस हो जाते हैं, और ये नॉर्मल एल्केन मतलब 6 कार्बन का बनेगा, तो एन हेक्सेन हो जाएगा, तो एन हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन, इधर ध्यान रखो इसको।
सबको रिड्यूस करके ये फिनिश कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म इज ड्यूटेरायन, है ना, ड्यूटेरायन का फॉर्मेशन कौन करेगा, 18 का क्वेश्चन है। तो ड्यूटेरायन की जब बात करी जाती है तो आपको एनिलीन है, मतलब दोनों चार्ज प्रेजेंट रहना चाहिए इस तरीके से। और भाई आपके जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स फॉर्म ड्यूटर आयन, ठीक है, अमीनो एसिड ड्यूटर आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब जो गिवन ऑप्शन है उसमें आपका एनिलीन है, आपका एसिटिलीन है, आपका बेंजोइक एसिड है, आपका ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन जो है वो आपका अमीनो एसिड से परफेक्ट, ग्लाइसिन क्या है आपका, ये सब मेमोराइज करने पड़ेंगे आपको अच्छे से, ठीक है। ग्लाइसिन आपका अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से तो ये ड्यूटेरायन का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइसिन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, समझते हैं। तो कार्बन ड्यूटेरायन बता दूं मैं आपको, हाइड्रोजन 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 कार्बन के साथ यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो देन ओ एच, ठीक है। अगर आपका लो पीएच होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसके ड्यूटेरायन की बात करें तो वो क्या बनना चाहिए भाई, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा बीच में, ऊपर जो आपको देखा नाइट्रोजन उसके साथ आपका यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। देन नीचे आपको यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो एसिड विल एक्टिवेट, तो यहाँ से सी माइनस मिलेगा, बस ये प्रोसेस होगा, आप समझो ध्यान से, ठीक है। ये ड्यूटर आयन है न्यूट्रल पीएच, हाँ ये आपका न्यूट्रल पीएच, आप सही है, न्यूट्रल पीएच है ये, न्यूट्रल पीएच पे इस तरीके से होगा। जब लो पीएच होगा तो इस तरीके से आएगा, और पीएच अगर बढ़ जाएगा तो अमाइंस वाले सेक्शन से एक एच बाहर निकल जाएगा, बस वहां से एक एच बाहर निकल जाएगा, और ये भी आपका सी डबल बॉन्ड माइनस बना रहेगा, वो हाई पीएच पे होगा। तो हाई पीएच पे अमाइंस बर्क करेगा भाई, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, पीएच 7 से ऊपर जाएगा, 7 से नीचे तो एसिड विल बर्क। ड्यूटेरायन की बात करें, ग्लाइसिन इज द परफेक्ट आंसर, ग्लाइसिन इज द अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई 37 का आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 38, द फॉर्मेशन ऑफ इज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहां देखने को मिलेगी, यस, तो नायलॉन 6 पढ़ते हैं ना, तो नायलॉन 6 ही इसका आंसर होता है। क्या होता है, कैपोलैक्टम के बारे में अगर आपको पता है तो यहाँ पे पहले क्या होता है स्ट्रक्चर, इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन, देन ये कुछ इस तरीके, दिस इज कैपोलैक्टम, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, देन यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये कैपोलैक्टम, कैप्रो लैक्टम। तो कैपोलैक्टम का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल सेट करते हैं, तो ऐसे ना बॉन्ड बीच का ब्रेक कर जाता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा वो ध्यान दो, यहाँ से ये आपको जो ये जो सिंगल बॉन्ड है दिस विल ब्रेक, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा हाइड्रोलिसिस के अंदर, यहाँ पे जाके एक ऑक्सीजन लिंक हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स आपका कन्वर्ट हो जाता है कैपोलैक्टम, इस तरीके से ये NH3 पॉजिटिव, देन आपका यहाँ से CH2 आपको 5 मिल जाएंगे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, सी डबल बॉन्ड देन ओ माइनस, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन होने से आपको कोई यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये NH हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड हो, वाटर बाहर निकाल से निकाल दो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, यहाँ से H2 बाहर निकाल दो, NH हो गया, देन आपका CH2 5, बीच में होगा C डबल बॉन्ड हो कार्बन, देन यहाँ से आपका N, ये आपका पॉलीमर, इसको बोलते हैं नायलॉन 6, ये नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 इज द आंसर। मैं बोलूँ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में आपको पता है कि नायलॉन 6 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी में आपको हाइड्रोलिसिस नहीं मिलता। फॉलोइंग इज ए फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर्स, किसके पास सारे के सारे फ्लोरिन्स होते हैं, तो टेफ्लोन वेरी पॉपुलर, न्यूप्रीन इज रॉन्ग, टेफ्लोन आपका सही होगा, ठीक है, ये तो हो गए नहीं, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, उसने पूछा फ्लोरिन वाला होना चाहिए, टेफ्लोन इज द आंसर। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था मेंस में पूछा गया था, 40 पे बात करते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रॉबैक ऑफ रॉ रबर, एम्स क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपके ड्रॉबैक्स रॉ रबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रॉ रबर बेटा होती है वो प्लास्टिक में होती है, ये बात सही है, रॉ रबर की बात करते हैं तो रॉ रबर इज एक्चुअली प्लास्टिक, जब प्लास्टिक होती है तो यूजलेस होगी हमारी एटमॉस्फेयर के लिए, और अगर इसको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होने का मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, बट बहुत ज्यादा नहीं होती, स्मॉल ड्यूरेबिलिटी होती है, हीट करोगे तुरंत आपकी अपनी शेप को चेंज कर लेगा,
ठीक है। और बाकी इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ड्यूरेबिलिटी काफी कम है। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ऑल ऑफ दीज इज राइट ऑप्शन। रॉल ओवर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी थी, सिंपल। 41 नेचुरल रबर हैज, ठीक है, 16 क्वेश्चन, नेचुरल रबर के पास क्या होता है? ठीक है, तो नेचुरल रबर की बात करते हैं तो नेचुरल रबर इज बेसिकली सिस 1.4 पॉली आइसोप्रीन। नाम ध्यान रखो, पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली आइसोप्रीन जो आपको लिखा है, दिस इज द नेचुरल रबर, वो भी सिस फेज, जो भी आपकी सिस फॉर्म जो है, दिस इज द नेचुरल रबर। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको अच्छे से, सिस 1.4 पॉली आइसोप्रीन, दिस इज नेचुरल रबर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बनाने की बात करी जाए तो कैसे बनेगा, ध्यान दो यहाँ से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन दिस CH2, यहाँ पे ओपन अप होगा इस तरीके से, देन यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2, इधर से ये ओपन अप, ठीक है, इस तरीके से ये आपके नेचुरल रबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? आई होप रैंडम सिस ट्रांस तो नहीं होना चाहिए, रैंडम कोई मतलब ही नहीं है, ऑल सिस इज करेक्ट, ट्रांस इज रॉन्ग, अल्टरनेट ये भी रॉन्ग है। तो आपका सही आंसर कौन सा भाई? यही नीचे वाले फीस पकड़ेगा ना सीधा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। अब वैसे भी आपका देखो दोनों ग्रुप सेम साइड में, तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, सिस 90 डिग्री आपको रिप्रेजेंट कर ही रहा है बॉन्ड एंगल यहाँ पे सेम ग्रुप के बीच में, तो दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, नाइलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीअमाइड, एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है, तो आपका ई ऑप्शन इज करेक्ट, पॉलीअमाइड है ना, एमाइड लिंकेज होता है। तो जितने भी टाइप के नाइलोन होते हैं, सारे के सारे कोई भी टाइप का नाइलोन हो, वो आपके पॉली एमाइड लिंकेज के लिए पॉपुलर है। ठीक है, क्या होता है नाइलॉन 6 एग्जांपल देख लो, सपोज आप नाइलॉन 6 अभी अपने डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, देन डबल बॉन्डो, देन यहाँ से ओपन अप, देन एंड, ये आपको पॉली एमाइड लिंकेज आपको बार बार देखने को रिपीट। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये तो आसान रिएक्शन है, क्या करना है, मार्कोनी का रूल है बेटा, HBr का एडिशन कर रहा है एल्कीन के साथ, तो मार्कोनी का रूल को फॉलो कर लो, और इसमें आपको HBr है तो पोलर प्रोटिक आपको एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, सेकेंड अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा। ठीक है, तो आपको पता है मार्कोनी का रूल्स में क्या होता है, ये पाई किधर जाएगा बोलो, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, मतलब ये पाई बाहर भागेगा, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, ये प्लस ऑटोमेटिक स्टेबल भी होगा, तो सबसे पहले अटैक आपके एच का होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो जाके इस कार्बन पे अटैक कर देगा और बी आर जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो बस देख लो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बस सीधा आंसर आ गया, मार्कोनोव इफेक्ट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ठीक है, एक कंपाउंड दे रखा है ए सी एच, C के साथ 8 है, H10O is found to be react with NaOI, ठीक है, ये आपको पता है यहाँ से, आपको ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये जैसे NaOH form test and by आपका NaOH है, and yields yellow PPT, सब पूरा हाइड्रो फॉर्म के बारे में दे रखा है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, आसान था इसमें। तो क्या करना है, जो हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है वो येलो कंपाउंड के लिए पॉपुलर है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे हम मिथाइल कीटोन की बात कर लें, हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मिथाइल कीटोन की बात करी जाए, तो मिथाइल कीटोन का मतलब क्या बेसिक, कि भाई CH3 के साथ सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये सेक्शन, ये सेक्शन जहां भी मिलेगा, चाहे वो एल्कोहल से ऑक्सीडाइज होके ये बन जाए, मेरी बात समझ रहे हो, या किसी अदर कंपाउंड से ऑक्सीडाइज होके ये कंपाउंड बन जाए, तो ये इंपॉर्टेंट, अगर ये कंपाउंड जहां जहां बनेगा वहां से हेलोफॉर्म टेस्ट आपको मिलेगा। हेलोफॉर्म टेस्ट में पहली स्टेप क्या होती है, कि भाई NaOH के साथ अगर मैं आयोडीन का यूज करता हूँ तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है NaOI, NaOI जो बोला ना वही तो आपका बाई कंपाउंड, प्लस यहाँ से क्या एक सॉल्ट रिलीज हो जाएगा NaI, और प्लस आपका लिटिल बिट अमाउंट में यहाँ से क्या होगा H2 गैस भी आप इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक पार्ट है कि जो आपको बाई मिल गया वो आपका NaOI है। अब NaOI के साथ कौन सा कंपाउंड जहाँ पे ये वाला सीन आपको मिलना चाहिए, CH3CO2 मिथाइल कीटोन, तो फर्स्ट में मिथाइल कीटोन कहीं मिलेगा ही नहीं, और इसका अगर ऑक्सीडेशन भी करोगे बंड करोगे तो एल्डिहाइड पकड़ लेगा, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता,
यहां से अगर ये ऑक्साइड होगा सेकेंड डिग्री तो ये डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, तो ये बन गया ना, या सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये इसे कोई चांस नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, कुछ करना भी नहीं था, सीधा सॉल्व करना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया दे रखा है सामने आपको, यहाँ पे एसिड दे रखा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई है, तो बताओ क्या रिलीज होगा, तो पहले तो ये एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, कुछ यूं सी डबल बॉन्ड ओ देन एनएच टू, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ देन एनएच टू, अब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई तो आपका फिर से यहाँ से क्या होगा भाई, थैलामाइड बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बिकॉज यहाँ से क्या होगा आप समझो, ये जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो अमोनिया निकल जाएगा, NH यहाँ से, AKH यहाँ से लेके बाहर, ये इससे ज्वाइन कर जाएगा, तो इन दोनों से निकल जाएगा आपका फिर से अमोनिया गैस, और ये आपका थैलामाइड बन जाएगा, मतलब बेंजीन सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो एच एक लोन किया, ये कहाँ दिख रहा है थैलामाइड, बोलो जल्दी से, डी ऑप्शन, तो डी इज करेक्ट, क्लियर हो गया, यस। तो आज बच्चों में ही रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।